गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस, फॉर योर अचीवमेंट। यस गाइज, यू डिड इट। एक ड्रीम लेके चले थे कि सीए कंप्लीट करनी है, और ऑब्वियसली आपने ये माइलस्टोन है वो अचीव कर लिया। लेकिन अब बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि सर हम आगे क्या करें, बिकॉज ऐसे ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन है जो लाइफ में अचीव करने बाकी है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि जो आप करना चाहो वो आप करो। जिससे आप प्यार करते हो वो चीज आपको करनी है, जो चीज आप बहुत अच्छे से कर सकते हो वो आपको करना है। यू हैव टू फाइंड आउट अ पैशन इन योरसेल्फ। आपने सुना होगा एक गाना है इकबाल मूवी का, और उसकी दो लाइंस है कि कुछ ऐसा करके दिखा कि खुद खुश हो जाए खुदा, और वही आपको करना है। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी आप करो वो सबसे अच्छा होना चाहिए। मींस उस पर्टिकुलर फील्ड में आपसे अच्छा वो कोई और नहीं कर सकता, वैसा आप कुछ करके दिखाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि लोगों को अच्छा लगना चाहिए, लोग आपको प्रेज करें कि नहीं नहीं आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। मैं ये बोल रहा हूं कि आप जो भी करो वो आपको सबसे सही लगना चाहिए। एक चीज बताऊं, लाइफ में कुछ अलग करना है तो पहली चीज आपको प्रॉब्लम्स को पहचानना होगा कि लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, लोगों की लाइफ को कैसे आप इजी बना सकते हो। एक चीज तो होती है कि कुछ नया क्रिएट कर लो, और दूसरी चीज ये होती है कि जो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है उसको आप इजी बना दो, बहुत अच्छा बना दो। जो गूगल है, गूगल कोई वर्ल्ड का पहला ब्राउजर नहीं था, उससे पहले बहुत सारे ब्राउजर थे। फ्लिपकार्ट जो है वो कोई पहली शॉपिंग वेबसाइट नहीं थी। या मैं इंडिया की बात करूं तो जो जीरोधा है वो जीरोधा कोई पहला जीरो ब्रोकर नहीं है, बहुत सारे ब्रोकर है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्हीं प्रोसेस को बहुत ईजी बनाया, बहुत अच्छे से बनाया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमको सर कुछ स्टार्टअप चालू करना है, कुछ नया करना है, कुछ बिजनेस करना है एंड ऑल, बिकॉज आपके पास अब वो टाइम है जब आप लाइफ में रिस्क ले सकते हो। आपने सुना होगा इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन मस्क आज वर्ल्ड का बहुत पैसे वाला बंदा है, वो आज ही नहीं बना, उसके पीछे उसका हार्डवर्क है, उसकी सक्सेस है, उसके पीछे उसके अटेम्प्ट्स है, उसके पीछे उसके एफर्ट्स है, और उसके पीछे उसके फेलियर भी है। जब भी आप कुछ नया करना चाहते हो तो ऐसा जरूरी नहीं आप सक्सेसफुल हो जाओ, बहुत बार ऐसा होता है जब आपको फेलियर भी फेस करना पड़ता है। इलॉन मस्क वो वाला बंदा है जिसने 12 इयर्स की एज में गेम बनाया और उसको $500 में गेम को बेचा था। उसके बाद में जब उसने स्पेस एक्स करके कंपनी बनाई और स्पेस एक्स ने पहली बार अपना रॉकेट जो लॉन्च किया इन 2006, वो 33 सेकंड के अंदर ही फेल हो गया मिशन। 2007 में, 2008 में दो बार और उन्होंने ट्राई किया और वो दोनों टाइम वो फेल हो गए। और 2008 में जब फोर्थ टाइम उन्होंने जो टारगेट किया, जो उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया, वो सक्सेसफुल रहा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो आप करना चाहते हो वो पहली बार में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली आपको फेलियर मिलता है, लेकिन उसके बीच में आपके पास में एक डिग्री है, दैट इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट की, कि भैया अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, अगर आप फेल हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी ये डिग्री ऐसी है जो आपको महीने का 1,00,000 रुपया है वो आपको दिला पाएगी। मैं ये चाहता हूं आप में से ही कोई बंदा आगे जाके इलॉन मस्क बने, आप में से ही कोई बंदा आगे जाके किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बने, कोई बंदा है वो फाइनेंस हेड बने, कोई बंदा है वो किसी कंपनी का सीएफओ बने। और मैं बता दूं, जो आप लाइफ जी रहे हो ना, वो इस वर्ल्ड में लाखों लोग ऐसे हैं जिनका सपना है कि वो आपकी लाइफ जिए। लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि नाउ यू आर नॉट माई स्टूडेंट, यू आर माई कलीग। एंड मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया हम मिलते रहेंगे, क्योंकि किसी ने बोला है कि जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे। मैं बोलता हूं मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। थैंक्स अ लॉट पीपल। जब भी आप मुंबई आओ ऑब्वियसली हम लोग मिलेंगे।